है ना क्रस्टी, आवाज सुनी ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा और बच्चे तो खाकर खुश हो जाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश हो जाएंगे और मेहमान तो आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। मैं संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं चावल के पापड़। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चावल के पापड़। चावल के पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब घर पर नमकीन नहीं हो और बच्चे जिद कर रहे हो तो झटपट तल कर दे दो। और जब कोई घर पर मेहमान आए और नमकीन ना हो, बिस्कुट ना हो, तो झटपट तल कर दे दीजिए और मेहमान को खुश कर दीजिए। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चलिए झटपट बनाते हैं हम। ये 1 कप भीगे हुए मोटे चावल हैं, जिन्हें हमने 2 दिन पहले भिगो कर रख दिया था और हर 12 घंटे बाद इनका पानी बदल दिया था। आप किसी भी चावल का पापड़ बना सकते हैं, लेकिन मोटे चावल के पापड़ का रिजल्ट अच्छा आता है। अब मिक्सी की सहायता से इन्हें पीस लेते हैं। चावल पीसने के लिए शुरू में पानी थोड़ा ही डालना है। अभी थोड़ा और पीसना है। 1 कप चावल का बैटर बनाने के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। बैटर को अब एक बारीक छलनी की सहायता से छान लेते हैं। ये देखिए, स्मूथ बैटर बन चुका है, इसमें कोई दरदरापन नहीं है, बैटर परफेक्ट बना है। इसकी जांच करने के लिए बैटर के रमचे पर उंगली खींच कर देख लेते हैं। ये देखिए, बैटर आपस में मिल नहीं रहा है, बैटर एकदम परफेक्ट बना है। थोड़ा नमक, पापड़ में कम ही नमक डालना चाहिए। थोड़ी चिली फ्लेक्स, थोड़ा जीरा, आप चाहें तो पीसकर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे। इनके डालने से पापड़ सुंदर भी लगेंगे और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। गैस जला दिए। अब एक भाप बनाने वाले बर्तन को रख देते हैं। अब बर्तन में थोड़ा पानी डाल देते हैं, पानी ज्यादा नहीं डालना है। अब एक बर्तन इसके ऊपर से रख देते हैं। इतने पानी में स्टीम बनती है, इतने पापड़ तैयार कर लेते हैं। ढक देते हैं। अब एक दूसरा भगोना भी तैयार कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अगर आपके पास भाप बनाने वाला बड़ा बर्तन ना हो तो आप छोटे बर्तन में भी बना सकते हैं, भगोने में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, स्टैंड रख के, कटोरी रख के। तो चलिए अब हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज में भी बना सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने टिफिन के ढक्कन लिए हैं, आप इस तरह के ढक्कन ले सकती हैं, छोटी प्लेट ले सकते हैं। तो चलिए इनमें हम चावल का बैटर भरते हैं। इन पे हल्का सा तेल लगाएंगे, एक ही बार तेल लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। चलिए बैटर भरते हैं। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, बहुत हल्का, नाम मात्र के लिए। ऑयल लगाने के बाद हल्का सा कपड़े से पोंछ लेना है, इससे हमारे पापड़ की लेयर अच्छी तरह से बनेगी। अब बर्तन के हिसाब से 1 चम्मच बैटर भर लेते हैं। हम पापड़ मोटे नहीं बना रहे हैं, एकदम पतले पापड़ बनाएंगे। अब इसे घुमाकर बर्तन में चारों तरफ फैला लेते हैं। अगर बैटर गाढ़ा या पतला होगा तो पापड़ बढ़िया नहीं बनेंगे। बर्तन में अच्छे से स्टीम बन चुकी है। कटोरियों को इसमें सेट कर देते हैं। अब ढक देते हैं।
अब इसमें भी रखकर दिखा देते हैं। अब इसे भी ढक देते हैं। पापड़ हम तेज आंच पर 2 मिनट तक पकाएंगे, 2 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे यानी पारदर्शी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, 1 कप चावल के बेटर से 100 पापड़ बन जाएंगे, मीडियम साइज के, जैसे कि हम बना रहे हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, पापड़ को चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पक गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, पारदर्शी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जब पापड़ की प्लेट बाहर निकालनी है तो गैस को बिल्कुल कम कर देना है। प्लेटें काफी गर्म है, इन्हें सावधानी पूर्वक निकालना है। हाथ मत जला लेना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, भाप से हाथ जल जाता है। इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने लेते हैं और चाकू की सहायता से इनके किनारों को हटाते हुए प्लेट से निकाल लेते हैं और पंखे में सुखाने के लिए डाल देते हैं। आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे चावल के बैटर के पापड़ बना लेते हैं। थोड़ा चाकू की नोक से किनारा हटाना है और धीरे धीरे प्लेट से पापड़ को बाहर निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारी उंगली भी साफ चमक रही है। इसी तरह से सारे पापड़ भाप में पकाकर निकाल लेने हैं। अब इन्हें एक साफ सुथरी पोलोथीन सीट पर पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख देते हैं। और इसी तरह से सारे पापड़ बना लेते हैं। नीचे बर्तन में पानी का भी ध्यान रखना है, अगर पानी कम रह जाए तो थोड़ा पानी डाल देना। आप इन पापड़ों को किसी भी समय बना सकते हैं, बिना धूप के, रात में भी। कुछ ही घंटों की हवा में ये आसानी से सूख जाएंगे। चावल पापड़ सूखकर तैयार हैं। ये तलने के लिए उतावले हैं, तलने के लिए तैयार हैं और स्टोर करने के लिए इन्हें 1 घंटे के लिए धूप लगा देना। तो चलिए हम आपको तल कर दिखाते हैं। ये एक बड़ा पापड़ बनाया है हमने, ये छोटा पापड़ बनाया है। ये देखिए कितना पारदर्शी है, हमारी उंगलियां चमक रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कितने पतले पापड़ हैं। तभी तो 1 कप में ढेर सारे बन जाते हैं, बड़े पापड़ कम बनते हैं, छोटे पापड़ ज्यादा बनते हैं। अंगीठी जला दिया है, अब कढ़ाई रख रहे हैं, अब ऑयल डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल में डालने के बाद इन्हें हल्का सा दबाना है और फूलने के बाद चिमटे से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए फूल कर दुगने हो गए है ना। हमने इनमें ना बेकिंग सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, ना पापड़ खार डाली है, तब भी कितने अच्छे पापड़ आए हैं। हो रहे हैं ना दुगने। अब बड़ा पापड़ तल के दिखाते हैं।
तले जा रहे हैं ना फटाफट। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तलने में टाइम नहीं लगेगा। है ना कृष्ण, आवाज सुनी ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चावल के पापड़ बनकर तैयार हैं। चावल के पापड़ बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा और बच्चे तो खाकर खुश हो जाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश हो जाएंगे और मेहमान का तो क्या कहना, मेहमान तो आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, जल्दी से किचन में जाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, पापड़ बनाकर जरूर खाना, भूलना नहीं, और कमेंट करके जरूर बताना प्लीज आपके पापड़ कैसे बने।